हेलो एवरीवन, खम्मा गणी। तालिबान ने अफगानिस्तान पे कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया। पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली यही बात सुन रहे हैं और मोस्टली इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ह्यूमैनिटेरियन वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी माना जा रहा है। अफगानिस्तान में वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो सिचुएशन है उस पर काफ़ी सारे कंसर्न्स जाहिर करे जा रहे हैं, अवेयरनेस लेके आई जा रही है, बट नोबडी नोज़ हाउ टू टेकल दिस सिचुएशंस। हमको भी नहीं पता कि इंडिया की रिलेशंस कैसे रहेंगे अभी नए अफगानिस्तान के साथ में, किस तरीके से तालिबान अपनी रिजीम वहाँ पे लगाना चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके वीडियोज़ हमको देखने को मिल रहे हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देयर कंट्री, ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, वी डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ टॉपिक टूडे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि तालिबान के आ जाने से क्या क्या बदलाव होगा। हम ये बात करेंगे कि सदियों से, दिस इज़ नॉट टुडे, USA वॉज नॉट द ओनली कंट्री हु हैज़ केम टू द अफगानिस्तान की हम यहाँ पे इन भाषा में मैं बोलना चाहती हूँ कि सुधार लेके आएंगे। इससे पहले भी बहुत रिजिम्स थी, ब्रिटिशर्स थे, वो तीन बार आए। रशिया था, उसने बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत ब्लडी एंड बहुत कॉस्टली वॉर खेला। USA का वॉर तो उससे भी ज़्यादा कई गुना कॉस्टली था। बट द पॉइंट इज़ कि वाई नो कंट्री हैज़ एवर कॉन्कर्ड दी अफगानिस्तान, क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न क्या था, अफगानिस्तान में ऐसा क्या खास है कि सारी कंट्रीज़ आके उसको कॉन्कर करना चाह रही है। तुम ताजिकिस्तान तो नहीं जा रहे, उज़्बेकिस्तान तो नहीं जा रहे, वाई यू आर कमिंग टू अफगानिस्तान? एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर कमिंग टू अफगानिस्तान, ऑल दी सच पावरफुल कंट्रीज़, वो अफगानिस्तान को कॉन्कर क्यों नहीं कर पाई है? कुछ टाइम पहले UPSC के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो जितने भी युद्ध थे वो पानीपत के अंदर क्यों लड़े गए थे। तो यू नो दैट वॉज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम मेनी परस्पेक्टिव। तो सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे कि अफगानिस्तान का ऐसा क्या लोकेशन है, ऐसा क्या टेरिटोरियल एक्सटेंड है, ऐसा कैसा इसका टेरेन है जिसकी वजह से इसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो, जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं या हम किसी भी नेशन की बात करते हैं जिससे, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट टू थिंग्स कि एक तो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। जैसे इंडिया के अंदर भी हम पढ़ते हैं, इंडिया में हिमालयाज हैं, इंडिया में हमारे प्लेट्यूज़ हैं, हमारी रिवर्स हैं, इस तरह की फिजिक्स की बात करते हैं। इन शॉर्ट वी टॉक अबाउट कि टेरेन कैसा है यहाँ पे, है ना, ज़मीन कैसी है यहाँ पे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पीपल, वहाँ के लोग। जैसे ज्योग्राफी जो है वो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी से कंप्लीट नहीं होती है, वी टॉक अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो। सो दिस इज़ इन ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑल्सो। NCERT में भी आप देखो, 11th क्लास आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है एंड देन 12th क्लास आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड। सो पीपल मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, हम क्या डिस्कशन करते हैं कि पीपल का कल्चर क्या है वहाँ पे, उनका हैबिट्स क्या है, रहन सहन कैसा है, उनका सेटलमेंट कैसा है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है। ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, व्हाट आई एम राइटिंग इट इज़ राइटिंग समथिंग एल्स, बट यू गेट माय पॉइंट कि फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि अफगानिस्तान को कॉन्कर करना इतना मुश्किल क्यों रहा है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स। अफगानिस्तान को अगर आप देखो तो इट हैज़ बीन कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स ऑल्सो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? क्योंकि बहुत सदियों से बहुत बड़े बड़े जो आप बोल सकते हो कि पावरफुल एम्परर्स जो थे, दे केम टू द कंट्री, दे ट्राई टू कॉन्कर इट बट दे कुड नॉट कॉन्कर इट। और उसमें क्या हुआ, उनके बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारा पैसा चला गया। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ गिवन द नेम ऑफ द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। नाउ एक ही था, बस मुगल्स थे जिन्होंने अफगानिस्तान को थोड़े लंबे टाइम के लिए अच्छे से हैंडल करा था। एंड द रीज़न वॉज कि दे हैंडल इट अ वेरी वेरी लाइट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला अप्रोच। अफगानिस्तान के अंदर आप देखोगे तो फिजिकल टेरेन की अगर हम बात करें तो फिजिकल टेरेन में इसमें हिंदू कुश आता है, पामिर नोट है हमारा, पामिर नोट से यहाँ पे हमारी डिफरेंट रेंजेस निकलती है, तियान शान हो गया, कुनलुन शान हो गया, हिंदू कुश हो गया है। तो हिंदू कुश जो है यहाँ पे देखो ये अफगानिस्तान से होके निकलती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ टेरेन, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। नाउ सी अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ गोइंग ऑन। अफगानिस्तान जो है इसका साइज लगभग फ्रांस के बराबर है और इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग कैलिफोर्निया के बराबर है, नॉट मच, फ्रांस से थोड़ा सा बड़ा है। देन व्हाट इज़ द रीज़न कि विद सो लेस पॉपुलेशन एंड सच ए स्मॉल एरिया इट इज़ रेजिस्टिंग सच बिग पावर्स? USA को सुप्रीम पावर माना जाता है, सो इज़ द रशिया एंड दैट टाइम ब्रिटिश ऑल्सो। सो रीज़न क्या है? रीज़न लाई करता है इसकी ज्योग्राफी के अंदर। बॉर्डर अफगानिस्तान का बहुत सालों पहले वेस्टर्न जो पावर्स थी उन्होंने इसको खींच दिया था,
लेकिन अफगानिस्तान इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉर्डर्स. अफगानिस्तान इज अ लॉट मोर देन दैट. द पीपल हु आर लिविंग इन द अफगानिस्तान डू नॉट एक्सेप्ट द एक्सट्रीम बॉर्डर. यहाँ पे काफ़ी सारी एथनिक ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारी एथनिक ग्रुप्स हैं, उनमें से तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट उज़्बेक, ताजिक एंड पश्तूनस हैं. एज़ यू कैन सी कि पश्तूनस का जो एरिया है वो काफ़ी फैला हुआ है एंड इट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑल्सो. नाउ ये जो मेजर रीज़न आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉर्डर बना दिया गया था पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में 1983 में, उसको उसके बाद में कभी किसी भी अफगान गवर्नमेंट ने लेजिटिमेटली रिकॉग्नाइज नहीं करा है. इट्स लाइक कि आपके घर को दो भागों में बांट दिया गया है. क्या अब आप घर में मूवमेंट बंद कर दोगे, और वो भी आपकी मर्जी के बिना? आपके घर में दो तरीके, एक तरह की दीवार खींच दी गई है, मूवमेंट तो होता रहेगा. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द पश्तूनस ऑल्सो. हालांकि वेस्टर्न पावर्स ने इसको दो पार्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में बांट दिया, लेकिन फॉर पश्तूनस इट इज़ वन पार्ट. कंसिडर दिस एग्जाम्पल वेरी सिमिलर टू द नागाज. नागाज क्या करते हैं कि वो इंडिया में नागालैंड की तरफ आएंगे, मिलिटेंट्स लड़ेंगे, और उसी तरीके से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में जाएगा, पश्तूनस जो हैं वो लड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे पाकिस्तान में. इसीलिए हम बोलते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लोगों को ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से ड्रग्स ट्रेड होती है, यहाँ से वेपन्स ट्रेड होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव अ प्लेस टू हाइड. सो जब एक्सटर्नल इन्वेडर यहाँ आता है, दे डोंट find it easy to fight because you know it is not their familiar area. And most importantly, to reach to Afghanistan, first you have to go across a country because it is a completely landlocked country. तो आप क्या करोगे, या तो आप ईरान को, तुर्कमेनिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को, चाइना को, या फिर पाकिस्तान को बोलोगे. तो ऐसे के अंदर क्या हो रहा है कि एक तो आपको एंटर करने के लिए दूसरी कंट्री के थ्रू आना पड़ रहा है, एंड दूसरा आप एंटर हो भी गए तो अब क्या अफगानिस्तान का जो टेरेन है वो पूरा का पूरा हिंदू कुश के साथ है. इट्स वेरी टफ टेरेन एंड दिस हिंदू कुश मेक्स एक्सट्रीमली टफ फॉर दी एक्सटर्नल इन्वेडर्स. मतलब यहाँ के जो डोमेस्टिक रूरल्स हैं, इवन दे के नॉट हैंडल दिस टेरेन. नाउ 75% एरिया यहाँ का माउंटेन है, और उसके अंदर लगभग 50% एरिया ऐसा है जिसमें 2000 मीटर से ज़्यादा का एलिवेशन है. इन सब की वजह से यहाँ पे ये रग्ड टेरेन हो गया, स्मॉल एंड नैरो वैलीज हो गई हैं, यहाँ पे विंटर बहुत हार्श होता है, और यहाँ पे रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, पानी के भी इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है नहीं. इन सब की वजह से ना सिर्फ जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं वो आइसोलेटेड रहती हैं विद इन द वैली बिकॉज दे डोंट हैव द कम्युनिकेशन, इन सब के साथ में इसको वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनियस एंड वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड एरिया भी माना जाता है बिकॉज यू कैन सी दैट इट इज़ कम्प्लीटली इन द माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया में गुरिल्ला वॉर जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है, और गुरिल्ला वॉर के अंदर आज तक कभी एक्सटर्नल इन्वेडर जो है वो कभी जीत नहीं पाया है. सो ये जो जिगजैग वैलीज हैं, ये जो पॉपुलेशन इन द वैली है, सी दीज ट्राइबल्स दे आर लिविंग इन टू डिफरेंट वैलीज, दे आर वेरी सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है. Because of lack of infrastructure, the foreign invaders might come, but they have to bring a lot of equipments to fight this tough terrain, to fight this extreme weather also. So, ऐसे में क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एक तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, देखो इसको ऐसे समझो, दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ़ यू रिलेट इट विद इंडिया ऑल्सो. इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऐसा है हमारा जहाँ पे अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है, द रोड्स आर नॉट फाइन. इवन अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे नागालैंड की तरफ, तो वहाँ पे आपको कभी बहुत सरप्राइज हो जाओगे अगर आपको रोड सही मिलेगी. क्या रोड सही नहीं होती है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है. इन सब की वजह से कम्युनिटीज़ आपस में जुड़ नहीं पाती है. इंडिया का हिस्टोरिक एस्पेक्ट भी ले लो आप, इंडिया के हिस्टोरिक एस्पेक्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जब तक ब्रिटिशर्स रेलवेज के साथ, रोड्स के साथ, एक यूनिक एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं आए थे, हम इंडियंस भी काफ़ी सेपरेटली लड़ रहे थे और अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे थे. 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसमें सबका अपना एक रीज़न था, हम एक भारतीय होने के नाते नहीं लड़ रहे थे, राइट. तो द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इज स्टिल गोइंग इन टू द अफगानिस्तान ऑल्सो. यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो एथनिक ग्रुप हैं, दे आर नॉट
not one. They don't have the sense of Afghan nation, Afghan as a nation. They don't have the feeling of that patriotism. और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. एंड उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है. 1960s तक लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट तहस नहस ही था ही नहीं. अभी भी जो है वो काफ़ी ड्रग्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्वेडर है वो टिक नहीं पा रहे हैं, वो उनको फाइट नहीं कर पा रहे हैं. दिस जियोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी वेरी बिग हर्डल हियर. नाउ दे आर नॉट सपोर्टेड, सेपरेट कम्युनिटीज़ हैं. तो ऐसे के अंदर जो वैलीज भी हैं ना, ये चौक तक खाइबर पास जो है, ये आप देखो कि दिस इज़ दी ओनली ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक पासिस थ्रू द हिंदू कुश. ये एक ऐसा पास है जहाँ से हमारा नाटो का भी सामान जाता था, ये एक ऐसा पास है जहाँ से यूएसए भी अपना सामान लेके आता था. और इसी चौक पॉइंट पे काफ़ी सारे ऐसे रोड्स थे जहाँ से तालिबान जो है वो भी अपना हथियार वगैरह और आदमियों को लेके आता था. तो ऐसे के अंदर 2009 के अंदर यहाँ पे तालिबान ने, यहाँ पे एक ब्रिज था, इसको तोड़ दिया का मतलब है कि जो नाटो और यूएसए है ये अपना सामान लेके अब नहीं आ सकते. तो ऐसे के अंदर नाटो एंड यूएसए ने फिर एयर वे या फिर जो बाकी दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से अपना सामान जो है उसको लाना स्टार्ट करा था, एज़ यू कैन सी इन दिस एनिमेशन ऑल्सो. बट नाउ दिस सिचुएशन हैज़ गॉन. दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर 2009 के अंदर तो तालिबान आया और उसने यहाँ पे एक धमाका कर दिया, और तब से ये खैबर पास जो है इट इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक एंड येट डेंजरस रोड ऑल्सो. दिस इज़ मोस्टली अपॉन द टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कम्युनिटीज़, द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ द अफगानिस्तान एंड ऑल्सो द इकोनॉमी ऑफ द अफगानिस्तान, विच मेक इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ टू कॉन्कर. आई होप यू गेट द कम्प्लीट पॉइंट कि वॉट इज़ इट. एक तो टरेन इतना आसान नहीं है कि भाई ये हर किसी को वहाँ पर रहने नहीं देगा. अगर तुमने इन्वेड कर भी लिया, चलो तुम अफगानिस्तान में कैसे ही ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान से तुम एंटर हो भी गए, एंटर होने के बाद इवन यहाँ पर जो डोमेस्टिक रूरल्स हैं काबुल के अंदर, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है उनको सारे ट्राइबल्स एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको नहीं मानती है. दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस कि हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास रहने दो. ऐसे के अंदर जो एक्सटर्नल इन्वेडर आ रहा है, हाउ इट इज़ बीइंग सपोज्ड कि वो यहाँ पे कम्युनिटीज़ को समझ के, जो यहाँ पे इनको सारे चौक पॉइंट्स बताए कि कहाँ पे चौक पॉइंट्स है, कहाँ पे कैसा टेरेन है, छुप के वॉर कर देते हैं. गुरिल्ला वॉर इज़ वेरी वेरी, इसी गुरिल्ला वॉर की वजह से ही यूएसए के काफ़ी सारे जो सैनिक हैं वो यहाँ पे शहीद भी हो जाते थे. तो दीज आर फ्यू रीजन्स कि वाई अफगानिस्तान इज़ सो टफ टू हैंडल. एज मच एज इट इज़ इन द जियोग्राफी एंड द टेरेन ऑफ द जियोग्राफी, टेरेन ऑफ द अफगानिस्तान, इट इज़ अबाउट द कम्युनिटी विच आर लिविंग इन टू द अफगानिस्तान ऑल्सो. तो जब ये बात बोली जा रही है कि तालिबान के कैप्चर करने से अफगानिस्तान 200 साल पीछे चला जाएगा, टू अ पॉइंट अफगानिस्तान इज़ ऑलरेडी 200 ईयर्स बैक. ठीक है, जैसे मैंने आपको 1857 का एग्जांपल दिया था, वी वर एट दैट सिचुएशन कि जहाँ पे हर एक कम्युनिटी अपने रीजन के लिए लड़ाई कर रही थी. यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर भी वही है, दे डोंट हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दे डोंट हैव द फीलिंग ऑफ वन कंट्री एज अफगानिस्तान. उनको अपना ट्राइबल कम्युनिटी सेव करना है. सो विद दिस सिचुएशन लेट जस्ट सी कि हाउ, बिकॉज तालिबान is doing or controlling Afghanistan under the power of gun. ठीक है, these are the main reasons. तो ऐसे के अंदर जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, तीन बार उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश करी, एक चीज़ उन्होंने सीख ली थी कि तुम अफगानिस्तान को टेम्प्रेरी कॉन्कर कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए तुम अफगानिस्तान में रह सकते हो, तुम अफगान को ओपन बैटल के अंदर भी तुम उनको हरा सकते हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि तुम वहाँ पे बस जाओ, ये इम्पॉसिबल है कि तुम उस रीजन को लंबे टाइम तक होल्ड कर लो, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइबल कैसल्स एंड गुरिलाज हैं वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहेंगे फॉरेन पावर पे. जैसे यूएसए के लिए दिस वॉर हैज़ बिन एक्सट्रीमली कॉस्टली, तो ये आपको एक्सट्रीमली कॉस्टली रहेगा, नॉट जस्ट विद द मनी बट विद द लॉस ऑफ पीपल ऑल्सो. This one line is very powerful for you to understand. The people of Afghanistan have nowhere to go and they can fight their whole life, a luxury that outsiders don't have. So this was it. What are your views? Do let us know in the comment section also. I hope also this complete thing is clear to you, that why Afghanistan is almost impossible to conquer. Well, this is it. Thank you so much. We will see you guys in the next. Jai Hind.